पंडित पंकज शास्त्री श्री राधा कृष्ण मंदिर अमर कॉलोनी लाजपत नगर फोर्थ श्री राधे। व्यास जी, जिस तरीके से बागेश्वर धाम के ऊपर आजकल उंगलियां उठ रही हैं और लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे जो देवेंद्र कृष्ण शास्त्री जी है वो ढोंग करते हैं, उसके लिए क्या कहें? देखिए, ऐसा है कि ढोंग नहीं कर रहे हैं, कोई संत महात्मा ब्राह्मण देवता कोई ढोंग नहीं रचाता है। जो अपने सनातन धर्म को ढोंग कहता है वो राक्षस कुल का है, क्योंकि वो हिंदू हो ही नहीं सकता है। अरे, भारत में जन्म लिया है और शर्म नहीं लगता उसको कि अपने इस सनातन धर्म को, अपने धरती माँ को गाली दे रहा है। आज कहते हैं ना कि ब्राह्मण या कोई भी संत महात्मा प्रभु के नाम का चर्चा करता तो लोग बोलने लगते हैं गलत है, गलत है। जहाँ लड़ाई हो, झगड़ा हो, हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और जहाँ प्रभु के नाम लिया जाता है, जहाँ सत्य है, वो आज भी सत्य है और सनातन धर्म सत्य रहेगा। जो भी हमारे श्री राम धरती माँ पे, भगवान कृष्ण पे उंगली हमारे भारत माता पे उठाएगा, भारत का पुत्र इस धरती माँ का पुत्र हो ही नहीं सकता है। लोगों का ये भी कहना है कि बागेश्वर धाम में जो है पहले पर्ची दे दिया जाता है, नाम दे दिया जाता है, उसके बाद वो दिखाने के लिए उसी बंदे को उठाते हैं उस भीड़ में से जो बंदे का पहले पर्ची गया रहता है, तो इसके लिए क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि जो ये हम उनको प्रणाम करते हैं, बड़े ही बागेश्वर धाम हमारे छोटे अनुज भाई हैं, उनके लिए मैं बहुत ही सत्कार करता हूँ, बहुत अच्छा करते हैं। क्योंकि देखिए, पहले भी भूत प्रेत पिशाच हुआ करता था, तुलसीदास जी भी लिखे हैं रामायण में, ना सही रोग हरे सब पीरा जब निरंतर हनुमत पीरा, लिखे कि नहीं लिखे बोलिए। तो पहले भूत प्रेत नहीं हुआ करता था। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जो छोटे भाई हैं ये नहीं कह रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, वो तो केवल ये कह रहे हैं कि मेरे हनुमान जी कर रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी की कृपा है। जब जब धरती में पाप बढ़ता है किसी न किसी प्रकार कोई न कोई जन्म लेता है। और देखिए, ब्राह्मण संत जो इनकी पूजा करता है, जो अपने धर्म में रह करके, ये नहीं कि कोई जाति या वाति में बोल रहा हूँ, ये नहीं कि ब्राह्मण ही, हर जाति के समुदाय के, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो अपने सनातन अपने धर्म को मानता है, जो अपने भारत भूमि में रह करके अपने हिंदुत्व से जो सनातन का विरोधी है, ऐसे विरोधियों को चुल्लू भर डूब के पानी में मर जाना चाहिए। क्योंकि मैं बागेश्वर धाम ऐसे संत महात्माओं के साथ हूँ जो सत्य के राय में चल रहे हैं, जो अपने सनातन को बचा रहे हैं, और यही सत्य है। बोलिए भारत माता की जय।